हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैंटरबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग बाय जॉफ्री चॉसर। तो उसकी कुछ लाइन्स हम पहले डिस्कस कर चुके थे 360 तक। अब आगे की लाइन्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो द लाइन्स विल बी कवरिंग आर 361 से लेके 476 तक। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी पॉइंट को मिस ना करें। तो द फर्स्ट लाइन सेज एन हार्बिशर एंड अ कारपेंटर अ वीब अ डायर अ टेपिसर and they were clothed alle in olivre, of a solemn and a great fraternity, full fresh in new hair, gear epicid was. Her knives were shaped not with brass, but all with silver, wrought full clean and well. Her girdles and her pouches every day. Well seemed each of him a fair burgess, to sitten in a well hole on a dais, ever rich for wisdom that he know, was shapely for to be an elderman, for kettle head they know and rent, and ik hair wees wold it well ascend, and ill carton well were they to blame. It is full fair to been yelped, madam cloth merchant, and goon to vigilies all before, and have a mental riolch ye bore. ये थी हमारी इनिशियल लाइंस 361 से लेके 378 तक। यहाँ पे 5 गिल्ड्समैन के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में बताया है चॉसर ने। ये लाइंस मैं इसलिए पढ़ के आपको सुना रही हूँ क्योंकि यूं की यूं लाइंस आपके पेपर में आ जाएंगी ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हों कि किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इन लाइन्स को पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, सीधा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन लाइन्स में चॉसर बोलते हैं कि दैट वाज रिटेलर ऑफ स्मॉल गुड्स, की एक रिटेलर था छोटे गुड्स का, एक कारपेंटर था, वीवर था, एक डायर था और एक टेपेस्ट्री मेकर था। ये सारे लोग एक ही तरह के कपड़े पहन के वहां पे खड़े थे, जैसे कि कोई यूनिफॉर्म में खड़े हों, और बड़ा ही सीरियस ब्रदरहुड झलकता था इनके अंदर। इनके जो इक्विपमेंट थे वो फ्रेशली ट्रिम्ड थे, उनके नाइफ्स थे जो वो माउंटेड ब्रास से नहीं बल्कि सिल्वर से थे। जो ये सारे लोग थे वो एक डिपेंडेबल सिटीजन्स थे और सारे गिल्ड होल में बैठे हैं। जो हर एक आदमी है वहां पे वो एक सुटेबल आदमी है फॉर टू बी एन एल्डरमैन फॉर द विजडम दैट ही हैड, मतलब कि उनके अंदर बहुत ज्यादा विजडम है, वो मास्टर्स हैं अपनी स्किल के। फॉर दे हैड एनफ प्रॉपर्टी एंड इनकम। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं 5 गिल्ड्समैन, इनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है, इनकम है, एंड इनकी जो वाइफ्स हैं वो भी अग्री करती हैं इन सारी चीजों से, इसलिए हम इनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। एंड इट इज वेरी वेल टू बी कॉल्ड मैडम एंड गो बिफोर एवरीवन टू फीस्ट ऑन द ईव ऑफ गिल्ड फेस्टिवल, कि जब भी गिल्ड फेस्टिवल होता है तो हर एक इंसान को लाइक फीमेल को वी ग्रीट बाय सेइंग मैडम एंड देयर वेल इज लफ्टेड लाइक अ क्वीन। नेक्स्ट लाइन्स हैं कुक के बारे में। अ कुक दे हैड विद देम फॉर द नर्स टू बॉयल द चिकन्स विद द मेयर बोन्स एंड पाउडर मर्चिन टार्ट एंड गेंगेल वेल नो ही नो अ ड्रॉट ऑफ लंडन एल ही नो रूस्ट एंड सीद एंड ब्राउल एंड फेयर मेक इन मॉट्यूक्स एंड वेल बेक अप एम but great harm was it as it taught me that was that on his sign a normal had he for blank measure that made he with the best. ये जो 5 गिल्ड्समैन थे इनके पास एक कुक भी था। अपनी वो जो गिल्ड फेस्टिवल है उसके ओकेजन के लिए वो उनके लिए चिकन्स बॉयल करता था, बॉन्स मैरो फ्लेवर करता था उनको टेंगी पाउडर स्पाइसेस के साथ, एंड ही न्यू वेरी वेल कैसे जज करना है ड्रॉट ऑफ लंडन को, कैसे वो बॉयल करता था, रोस्ट करता था। तो हर एक चीज को बताया गया है बड़ी डिटेल में। इट सीम्स कि जो नरेटर है ना वो काफी एक ओपन तरीके से सारी चीजों को बता रहा है। फिर हाउ द थिंग्स आर मेड, वाइट पुडिंग कैसे बनी, तो सारी चीजें वर ऑफ बेस्ट क्वालिटी। तो इन शॉर्ट ये जो पूरी लाइन्स हैं 379 से 387 तक, उसमें यही बताया गया है कि हाउ बेस्ट द कुक वॉज, और वो किस तरीके से डिफरेंट स्पाइसेस का यूज करके फ्लेवर करता था अपने जो भी कुकिंग वो करता था या फिर जो भी डिश वो बनाता था उसको। इन द नेक्स्ट लाइन आर अ शिपमैन वाज देयर वॉन्ग फेयर बाय वेस्ट फॉर ऑट आई वुड ही वाज ऑफ डेथ बोथ ही रूड अपॉन अ रोवन सी एज ही नो इन अ गाउन ऑफ फील्डिंग टू द नी अ डैगर हैंगिंग ऑन अ लैस हैड ही अबाउट हिज नेक अंडर हिज आर्म डाउन द हुड सोमर हैड मेड हिज ह्यू ऑल ब्राउन एंड सर्टेनली ही वाज अ गुड फेलो full many a draught of wine had he ere drove fro Burdock's ward will that the chapman sleep of nice conscience took he no keep if that he fought and had the higher horn By water he sent them whom to every land. But of his craft to wreak well his tides, his streams and his dongers him beside, his herbew, his moon, his lord Ming, there's noon switch from Hull to cottage. Hardy he was, and was to undertake, with many a tempest has his beard been shake. He knew all the heaviness, and they were, from Gotland to the Cape of Finisterre, and every crake in Brittany and in Spain. His barge ye clept was Maudelayne. तो ये थी लाइन्स 388 से लेके 410 तक। यहाँ पे एक शिपमैन को डिस्क्राइब किया गया है कि एक शिपमैन वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो नरेटर बोलते हैं दिस इज ऑल व्हाट आई नो, एंड ये जो शिपमैन है वो था डार्टमाउथ से। ही रोड अपॉन अ कार्ट हॉर्स एज बेस्ट ही कुड इन अ गाउन ऑफ वुलन क्लोथ रिच्ड टू हिज नीज, मतलब कि उसने एक वुलन क्लोथ पहन रखा है, गाउन टाइप, जो कि उसके नीज तक आ रहा है। एक डेगर है उसके पास जो कि उसकी नेक से उसकी आर्म तक ऐसे लटक रहा है। जो हॉट समर है उसकी वजह से सारा जो ह्यू है वो ब्राउन हो चुका है। एंड सर्टेनली ही इज अ गुड फेलो, और इस शिपमैन को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ हार्बर्स हैं, कहाँ पोर्ट्स हैं, कहाँ पोजीशन है मून का, तो वो अच्छे से नेविगेट कर रहा है। इन शॉर्ट तो चौसर जो हमारे नरेटर हैं वो बताते हैं कि कोई भी उस जैसा नहीं है फ्रॉम हल टू कार्टजिना, मतलब कि वो इतना अच्छा एक रिस्क टेकर शिपमैन है, स्ट्रांग और प्रूडेंट है वो, कि उस जैसा कोई भी शिपमैन नहीं है। उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है वो हिल रही है बिकॉज ऑफ स्टॉर्म। एंड ही न्यू ऑल द हार्बर्स एज दे वर फ्रॉम गॉटलैंड टू द केप ऑफ फिनिस्टर, कि केप ऑफ फिनिस्टर से और गॉटलैंड के बीच में जितने भी हार्बर्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो सबको जानता है। एवरी स्ट्रीम इन ब्रिटनी एंड इन स्पेन, सारी स्ट्रीम्स को। हिज शिप वॉज कॉल्ड द Maudelayne, और उसके शिप का ये नाम है जो कि है Maudelayne। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शिपमैन। इसको आप लर्न कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है शिपमैन के बारे में। द नेक्स्ट लाइन्स आर विद अस देयर वाज अ डॉक्टर ऑफ फिजिक इन ऑल दिस वर्ल्ड मी वाज दैट नून हिम लाइक टू स्पीक ऑफ फिजिक एंड ऑफ सर्जरी फॉर ही वाज ग्राउंडेड इन एस्ट्रोनॉमी ही केप्ट हिज पेशेंट अ फुल ग्रेट डील इन आर्स बाय हिज मैजिक नेचुरल वेल न्यूड ही फोरटेन द एक्सीडेंट ऑफ हिज इमेजेस फॉर हिज पेशेंट ही न्यू द कॉज ऑफ एवरेज मेलेड were it of hot or cold or moist or dry, and were they endangered of what humour. He was a very perfect practitioner, the cause you know, and of his harm the root. Anon he yeft the sick man his boot, full ready had he his apothecaries, to send him drugs and his lecturies, for each of them made other for to win. His friendship was not new to begin, well knew he the oldest Esculapius, and Dioscorides and Ecrophus, all Jacoporus, Heli, Galen, Serapion, Rhazes and Avicen, Averroes, Damascien and Constantine, Bernard and Gatisden and Gilbertin. Of his diet miserable was he, for it was of no superfluity, but of great, noisome and digestible. His study was but little on the Bible. In swing and in pairs he clad was all, lined with taffeta and with snedall. And yet he was but easy of dispense, and he kept that he was in pestilence. For gold in physique is the cordial, therefore he loved the gold in special. तो ये थी लाइन्स 411 से 444 तक। यहाँ पे एक डॉक्टर को डिस्क्राइब किया गया है कि there was a doctor of medicine, और पूरे वर्ल्ड में उस जैसा कोई नहीं बता सकता मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। बहुत अच्छे से वेल वर्स था वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी। और उसके पेशेंट्स की बात करें तो वो सुटेबल आर्स देख के अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता था, साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का यूज करके। उसे अच्छे से पता था कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्लेनेटरी पोजिशंस को, और उसी का यूज करके वो अपने पेशेंट्स को भी ट्रीट करता था। ही न्यू द कॉज ऑफ एवरी मेलेडी, कि उसे हर दुख का एक कॉज पता था कि वो हॉट से हुआ है, कोल्ड से, मॉइस्चर से, ड्राई से, किस तरीके से तुम्हारी तबीयत खराब है। वो हर तरीके की चीजों को बता सकता था। वो एक ऐसा परफेक्ट प्रैक्टिशनर था। एज सून एज ही न्यू द कॉज, जैसे उसे कॉज का पता लगता तो फिर वो ठीक करना स्टार्ट कर देता था पेशेंट को, और रेमेडी दे देता था। तभी उसका जो भी एक टेक्निक था अच्छे तरीके से वो बताया गया है। एंड द डॉक्टर्स नो वेल, और ये अलग अलग लोगों के फिर नाम दिए गए हैं जिनको ये जानता था। एंड द वे ही यूज गोल्ड फॉर हिज ट्रीटमेंट। अब जो हमारा डिस्क्रिप्शन आने वाला है दैट इज ऑफ वाइफ ऑफ बाथ। ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे प्रलोक के अंदर, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। Her good wife was that of beside Bath, but she was soon del deaf, and that was Cath. Of cloth making she had switch and haunt. She passed him of Ypres and of Gaunt. In all the parish wife ne was them noor, that to the offering before her shalgoon. And if there did certain so wooth was she, that she was out of el charity. His coverchiefs, her coverchiefs full fine were of ground, I do swear thy within £10, that on a Sunday weren upon her head. Her horsen weren of fine scarlet red, full starright yet dead, and shoes full moist and new. Bold was her face, fair and red of hue. She was a worthy woman, all her leave, husbands at church, door she had fee. Withouten other company in youth, but thereof need not to speak anew. And Therese had she been at Jerusalem, she had passed many a strong stream. At Rome she had been, and at Boulogne, in Galicia, at Saint James, and at Cologne. She knew much of wandering by the way, gale-toothed was she, soothly for to see. Upon an emberly easel she sit, ye wimpled wellen o'er her hair hid and head, as brooded it is a brockles or a starch. Her foot mantle about her hips large, and on her higher feet a pair of spurs sharp. In fellowship well nude she laugh and crap, of remedies of love she knew perchance, for she knowed of that art the old wench. ये थी लाइन नंबर 445 से 476 तक, जहां पे वाइफ ऑफ बाथ को डिस्क्राइब किया है नरेटर ने कि वो थोड़ी सी डेफ है. शी वॉज हाउएवर स्किल्ड इन क्लोथ मेकिंग, मतलब कि उसे क्लोथ मेकिंग आता है, और उसने सरपास कर दिया है हर एक इंसान को यप्रेस से गेंट तक. तब वो इतनी स्किल्ड है क्लोथ मेकिंग में. और एंटायर पेरिस में देयर वाज नो वाइफ जो कि इतना मतलब बाहर जा सकती है अकेले. एंड इफ एनीवन डिड दैट सर्टेनली द वाइफ वुड बी सो एंग्री दैट शी फॉरगॉट ऑल अबाउट हर बीइंग चैरिटेबल. मतलब शी इज ऑल्सो चैरिटेबल. उसके जो हैंकरशीप्स हैं वो अपने सिर पे पहनती है, उनको बड़े फाइन टेक्सचर के होते हैं. एंड आई डेयर स्वेयर ऑब्जर्व द नरेटर दैट दे वेट 10 pounds, और उनका जो वजन होता है वो 10 pounds होता है. उसके जो स्टॉकिंग्स हैं वो भी एक गाढ़े लाल कलर की हैं, जो कि टाई करी जाती हैं क्लोजली उसके ऐसा यू नो नी तक. हर शूज वर सॉफ्ट एंड न्यू, उसके शूज सॉफ्ट और न्यू थे. उसका फेस था जो बड़ा ही बॉल्ड और फेयर था, रेड था. ऑल हर लाइफ शी हैज बीन अ वर्दी विमेन. और 5 बार इसने शादी की है. दिस इज नॉट द काउंटिंग कि कितनी और कंपनीज में वो अपने यूथ में रही है दूसरे लोगों के साथ, बट हाँ दिस इज द 5 times उसने शादी करी. एंड बट देयर इज नो नीड टू स्पीक ऑफ दैट नाउ. फिर नरेटर बोलते हैं कि इन बातों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. थ्राइस जो वाइफ ऑफ बाथ है वो जेरूसलम गई है, बहुत सारे स्ट्रेंजर्स से मिली है, फॉरेन सीज में वो घूमी है, वो रोम गई है, बॉलेगिन गई है, गलीसिया गई है. तो काफी सारी जगह है जहाँ पे वो गई है, अकेले वो घूमती है. बहुत सारी नॉलेज है उसे घूमने फिरने की. एंड उसके जो टूथ है उनमें गैप है, दैट इज ट्रूली टू से. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट वाइफ ऑफ बाथ एंड हियर वी एंड द वीडियो. तो आई होप आपको समझ आया होगा. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो भी है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.